खबर पंजाब से, जहां गौ सेवा मिशन के चीफ स्वामी कृष्णानंद दो दिनों से लापता हैं। हालांकि पुलिस को स्वामी जी की गाड़ी तो मिल गई, लेकिन स्वामी कृष्णानंद का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। कहां लापता है पंजाब के संत? दो दिन से गुमशुदा स्वामी कृष्णानंद नहर के किनारे कैसे पहुंची कार? गो सेवा मिशन के चीफ के खिलाफ साजिश? बाबा जी साडे स्वामी कृष्णानंद महाराज जी रात दे 1 बजे दे गुम हो गए। क्या स्वामी जी की जान को खतरा था? क्या गो सेवा मिशन के अध्यक्ष को धमकियां मिल रही थी? या बाबा की गुमशुदगी के पीछे है कोई बड़ी साजिश? रात को चौकीदार ने बताया बाद में कि 1 बजे मारे गाड़ी लेकर अकेले ही निकल गए। स्वामी कृष्णानंद कहाँ हैं? कैसे हैं? किस हालत में हैं? हर गुजरते पल के साथ ऐसे तमाम सवाल उनके अनुयायियों को परेशान कर रहे हैं। समर्थकों में अनहोनी का डर और गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। और वो गौवां दी रक्षा करते थे, गौवां दे वास्ते मर मिट जाते थे। सानू ये शक है भी जेडे गौ हत्यारे लोग है उना लोका ने ये मिल करके है उना दा ये कांड कीता। सबसे अहम बात यह है कि स्वामी कृष्णानंद का अभी तक कुछ पता नहीं चल पा रहा है। इससे इलाके में तनाव फैला हुआ है। स्वामी कृष्णानंद जो शुक्रवार की रात करीब 1 बजे से लापता बताए जा रहे हैं, पूरा शनिवार और रविवार गुजर चुका है। पुलिस और प्रशासन जोर शोर से उनकी तलाश में जुटा हुआ है, लेकिन अब तक हाथ खाली ही है। इस बीच स्वामी कृष्णानंद की गाड़ी को नंगल चंडीगढ़ के रास्ते पर कुष्ठ आश्रम के पास नहर के किनारे से बरामद किया गया है। स्वामी कृष्णानंद जी की गड्डी इतने मिली है, बाकी जिन्हें भी इतने जथेबंदियों के नुमाइंदे आए हैं उन्होंने नाल असीं संपर्क करके उन्होंने सारा इतने सिचुएशन समझाती है। साडे वालों जिहड़ी हैगी पुलिस के नाल पूरा संपर्क असीं रखिया होया, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। दूसरा सबसे अहम सवाल यह है कि स्वामी कृष्णानंद की कार 45 किलोमीटर दूर कैसे पहुंची? नंगल में नहर के किनारे लावारिस हालत में खड़ी कार को लॉक किया गया था, इसकी चाबी भी नहीं मिल पाई है। कहा जा रहा है कि रात में नजर कमजोर होने की वजह से कृष्णानंद जी अकेले गाड़ी नहीं चला सकते। कार के अंदर एक चप्पल भी मिली है। हालात बेहद संदिग्ध हैं। गौ सेवा मिशन के अध्यक्ष की तलाशी के लिए नहर और उसके आसपास के इलाके में पुलिस की तलाश जारी है। लेकिन सच ये है कि स्वामी कृष्णानंद अभी तक गायब ही है। उनके समर्थक इस सब के पीछे बड़ी साजिश बता रहे हैं। नाराजगी जाहिर करने के लिए नंगल चंडीगढ़ के रास्ते पर धरना देकर जाम लगाया। उनका आरोप है कि गौरक्षा मिशन के चलते स्वामी कृष्णानंद की जान को काफी खतरा था।